मेरे प्यारे प्रभु, नहीं मेरे भक्त तरीके की कोई सज्जनता, न तेरे चरणों में बैठने की कोई पात्रता, फिर भी मेरा यह आई एम समथिंग क्यों नहीं जाता। मैं तो कहूंगा कि प्रभु तू मेरा मैं यानी आई एम छीन क्यों नहीं लेता। सर्दी हो जाए बालक को और वो आइसक्रीम फिर भी खाता हो तो माँ क्या करेगी, खाने देगी या आइसक्रीम छीन लेगी? ऐसा ही तू क्यों नहीं कर सकता प्रभु? मेरा डूइंग चला जाए और बीइंग सिर्फ रह जाए। एक रूपक कथा सुनी। एक हाथी रास्ते पर चल रहा था, चलते चलते बीच में नदी का पुल आया। पुल थोड़ा जर्जरित था, हाथी भाई के पैरों से पुल ध्रुज रहा था, सद्भाग्य से टूटा नहीं। वापिस सड़क मार्ग शुरू हुआ, हाथी भाई की सवारी आगे बढ़ी। हाथी को खबर नहीं थी पर एक मक्खी हाथी के कान के पास बैठी हुई थी। उसने कहा, हाथी भाई हम दोनों ने मिलकर पुल को कैसा ध्रुजा दिया, हिला दिया। एक अपेक्षा से मक्खी अपने से ज्यादा ईमानदार थी। उसने ये तो कहा कि हम दोनों ने मिलकर पुल को ध्रुजाया, हम तो उससे भी कहे गुजरे हैं। देवगुरु पसाए शब्द मुंह से निकलते हैं, बाकी मैंने माशा शमन किया, मेरा वर्षी तब चल रहा है। सच में हम करते हैं या प्रभु करवाते हैं? साधना मार्ग में प्रभु की कृपा से ही एकाध इंच भी चल सकते हैं। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक भाई को एक असाध्य बीमारी हुई, बहुत सारे वैद्यों की दवा ली पर कोई फर्क नहीं। लेकिन अचानक एक वैद्य मिले, उन्होंने कहा, 6 महीने तू मेरी दवा कर, तेरी बीमारी जड़ मूल से निकल जाएगी। उस भाई ने वैद्य की दवा की, उसका दर्द पूरी तरह से मिट गया। 6 महीने के बाद सवेरे का नाश्ता चल रहा था, उसका खास मित्र आया। स्वस्थ काया देखकर उसने अचरज से पूछा, अरे तेरी तबीयत कैसे अच्छी हो गई? उन्होंने कहा, एक अच्छा वैद्य मिल गया, रोग एकदम ठीक हो गया। एक बात पूछनी है, दवा किसने ली? कड़वी कड़वी दवा इस भाई ने ली, परहेज इस भाई ने पाला, पर यश किसको दिया? क्रेडिट वैद्य को दिया। क्यों? दवा तो पहले भी बहुत की थी पर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, पर इस बार कुशल वैद्य की दृष्टि पड़ी, काम हो गया। बस इसी तरह से हमारे आत्मिक विकास में प्रभु कुशल वैद्य की तरह है, उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने सन्मार्ग बताया, हमारा काम हो गया। बस आपसे यही प्रार्थना है प्रभु, आई एम समथिंग की मेरी दुनिया समाप्त हो जाए और आपकी ही कृपा से सब होता है ये सोच मेरी हमेशा रहे। प्रभु आपका ही तो बालक हो, मेरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना।